गाइस वेलकम बैक। क्या हालचाल, आई होप अच्छे ही होंगे। सुबह वाले एपिसोड में बहुत चीज़ें हुई है। हमारे एक सीरीज़ में एक नया कैरेक्टर आया है जिसका नाम है ग्लैडिएटर। तो देख लीजिए, वो बहुत खतरनाक बंदा है एंड सबसे ज़्यादा मतलब बहुत खतरनाक है वो। तो वो बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है एंड वो जंग किया करता है। वो खैर अलग प्लेनेट का है, मैंने आपको फिर बोला प्लेनेट बहुत सारे दुनिया में एंड कोई ना कोई खूंखार बंदा होता ही है। उसको बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए वो बर्फ़ में रहता है, अमेजिंग काम करता है। पैराडॉक्स की उसे चटनी बना के रखी हुई है, आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ट्रेवर वापस नॉर्मल हो चुका है, अपने बैक लाइफ में आ चुका है। ट्रेवर अब कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है और ना इसका पैराडॉक्स भाई है, इसको ये पता है अब कोई टेंशन नहीं है। तो बस भैया आप देखते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या होने वाला है। एंड नेक्स्ट एपिसोड बहुत भयंकर होगा, मैंने आपको पहले बताया था इस एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में वही एपिसोड आने वाला है जिस एपिसोड के बारे में मैंने आपको बोला था कि भाई ट्रेवर की लाइफ में एक ऐसा मोड आएगा जब हम इसकी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वो नेक्स्ट एपिसोड ही है। फिर आप लोगों ने वोट डाली, तब उस वोट के हिसाब से सिचुएशन बदल दी है ऑलरेडी पहले ही, तो उसी हिसाब से वो बनने वाला है। अगर जिस हिसाब से आप वोट करते हो उसी हिसाब से एपिसोड बनता, समझे आप। इसलिए मैंने आपसे एडवांस में पूछा था। तो अभी आप लोगों ने जिस हिसाब से वोट करी है उसी हिसाब से उसकी सिचुएशन ऑलरेडी बदल जाएगी। मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर बदलेगी सिचुएशन। अगर आप जो चीज़ चूज़ करते ना, पुरानी लाइफ या नई लाइफ, तो उसके हिसाब से सिचुएशन बदलती है और मैं बताऊँगा आपको क्या क्या बदलता है। चलिए ठीक है, जब एपिसोड आने दो कल वाला, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होगी क्या नहीं होगी। तो ठीक है, ट्रेवर की जगह पर निकलिए। माइकल रो रहा है बार बार फ़ोन पे, पता नहीं क्या इसका परेशानी है। फिर से मिलता हूँ जाकर। मेरा दोस्त माइकल, मेरा प्यारा दोस्त माइकल। एक एपिसोड आएगा देखो, बहुत जल्द आएगा, इसमें आपको माइकल की एंड ट्रेवर की दोस्ती इतनी बढ़िया दिखेगी, इतनी गहरी दिखेगी कि आप लोग बड़े उदास हो गए उसको देख करके। आप चाहोगे कि दोनों बच जाए, आप चाहोगे कि कोई ना जाए एक दूसरे के, मतलब बड़ा अच्छा एपिसोड आएगा जिसमें इन दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी दिखेगी। इमोशनल तो हो ही जाओगे भाई, इतना तो मैं लिख के देने वाला हूँ आपको, क्योंकि माइकल का प्यार देखेगा आपको ट्रेवर के लिए। आपको ऐसे लगता होगा माइकल ट्रेवर को प्यार नहीं करता, इनकी दोस्ती बड़ी गहरी है। वो कितनी गहरी है वो आपको पता ही है। देखो हम गेम प्ले खेलते हैं, अगर ये गेम प्ले पूरा एनिमेटेड सीरीज़ होता तो एनिमेटेड सीरीज़ में क्या होता है, बंदों को फेस के एक्सप्रेशन दिखते हैं और जब फेस दिखता है तो आपको उससे आप करेक्ट करते हो। गेम में क्या होता है, आपको फेस नहीं दिखता कभी प्लेयर्स का, तो आप उससे करेक्ट नहीं कर पाते जल्दी से। मूवीज़ क्या होती है, मूवी में कोई बंदा इमोशनल सीन आ गया तो बंदा रो रहा है, तो आपको भी एहसास होता है कि भाई बड़ी तगड़ी फीलिंग चल रही है, सिचुएशन बहुत खतरनाक है, तो आपको भी सैड फील होता है, आपको रोना भी आता है बहुत बार बंदों को फेस को देख के, आंसुओं को देख के, मतलब कि उसके इमोशंस को देख के। बट गेम में इमोशंस हमें दिखते नहीं है। अगर ये पूरा गेम जिस हिसाब से मेरी स्टोरी, अगर ये पूरी एनिमेटेड होती थी ना और पूरी की पूरी ऐसे चलती नॉर्मल, इनके फेस के साथ, इनकी आंखों को देख करके, इनके आंसू भी दिखते हैं आपको, सारी चीज़ें दिखती, तो हर एपिसोड में आप रोते गारंटी से। इस हिसाब से एपिसोड आने वाला है तो देखेगा। बट ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाता बंदा क्योंकि इनके फेस आप दिखते नहीं है ठीक से, इनके फेस में आंसू नहीं होते, इनके फेस में इमोशन नहीं होता रोने वाला। अगर बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ में इसको देखो ना आप, तो मज़ा ही आ जाएगा, पिक्चर फेल हो जाएगी। तो ठीक है माइकल बोलो तो चिंता न कर, मैं देख लूँगा यार, तू बड़ी टेंशन लेता है, बोल रहा है ट्रेवर, यार तूने मुझे जिम्मेदारी दिलवाई जनरल की, मेरा मन है मैं इसको साफ़ करूँ। और वो जो दूसरा जनरल है नया यार, उसने सर में दर्द कर रखा है, उसको फिलहाल हमने कोई कस्टडी में डाल के रखा है। मैंने बोला वो असली है यार, उसको क्यों पीट रहे हो। मैं बोल रहा है ड्राइवर देखते जैसा भी, अब जनरल मैं हूँ तो उसको जनरल नहीं बनाया जाएगा, उसको छोटी मोटी नौकरी दे देंगे। अब कहते हैं जनरल जो था पुराने वाला जिंदा है वो स्मोक ने उसका नेता बना के रखा था, तो ये बात है। तो ठीक है निकलते हैं, क्योंकि यार पूरी एनिमेटेड सीरीज़ बनाना एक इम्पॉसिबल होता है, पता है क्यों। छोटी छोटी डेढ़ डेढ़ दो घंटे के एनिमेटेड सीरीज़ में बनाने में साल लग जाते हैं। फेस के एक्सप्रेशन, फिर उनके एनिमेशंस, साउंड रिकॉर्डिंग एंड ये बहुत लंबा टास्क होता है और ये कोई एक बंदे का काम नहीं होता, पूरा टीम वर्क का काम होता है। जैसे आप कार्टून देखते हो, एनिमेटेड सीरीज देखते हो ना, रियलिस्टिक टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, उनको बनाने में बहुत लंबा प्रोजेक्ट जाता है, वो ऐसे नहीं बनते। ऊपर से उनके लिए मोशन कैप्चर सूट पहनना पड़ता है आपको, वो मैनुअल एनिमेशन काम नहीं करती उनमें, आपको सूट लेना पड़ेगा जिसको आप पहनोगे ना। गेम अगर आपको पता हो कैसे बनते हैं एनिमेशंस, कैसे रिकॉर्ड होती है, उसके लिए सूट आते हैं मोशन कैप्चर के, बस आप उसको पहन लो और अंदर आप उसको रिकॉर्डिंग पर लगा दो। जैसा आप करोगे ऐसे ही एनिमेशन रिकॉर्ड होगी, सीधा उस एनिमेशन को निकाल करके आप अपने कैरेक्टर पर डाल दो, जगह लगा दो और वो कैरेक्टर बस उस हिसाब से एनिमेशन प्ले करेगा, बात खत्म। ऐसे बनती है एनिमेशन। बट पॉइंट ये है कि मोशन कैप्चर सूट मतलब फ़ायदा नहीं है ले करके आने का, क्योंकि अकेला बंदा मैंने फिर बोला करने वाला। ऊपर से उसका रेडियो बहुत होता है, 3.25 लाख मतलब कि 3 लाख के अराउंड का मोशन कैप्चर सूट आज की डेट में रेट है। फिर ऊपर से फेशियल कैप्चर के लिए अलग से एक मो लेना पड़ता है, एक और हेलमेट आता है जिससे फेशियल आपके एक्सप्रेशन रिकॉर्ड होते हैं, वो भी 1 लाख का है। तो देखा जाए तो मतलब 3.5-4 लाख का तो ये चीज़ सामान ही होगा, वो भी एक बंदे के लिए, मोशन कैप्चर सूट एंड फेस रिकॉर्ड करने के लिए। एक बंदे के लिए 4 लाख मान के चलो, क्योंकि GST लगेगी, इम्पोर्ट टैक्स, कस्टम टैक्स, कमर तोड़ देता है। 4 लाख मान के चलो, ठीक है, एक बंदे के लिए सिर्फ। और बंदे कम से कम हमारे कैरेक्टर एक टाइम में कितने होते हैं फ्रेम में, चलो मान लो वो भी हटा दो, हर बंदे के लिए पर्सनल हम मोशन कैप्चर नहीं लगाते। तो अगर एक बंदा ही सारी रिकॉर्डिंग करता है, मान लो पहले ट्रेवर की रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद उसी बंदे की, मैंने माइकल की रिकॉर्डिंग कर ली, और सभी को प्लेस करते हैं डिफरेंट, उसमें टाइम बहुत जाएगा। बट कहने की बात ये, तब भी बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा टास्क है। खैर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट वही वाली बात है ना, बहुत लंबा टास्क है, ऊपर से आपको पता है फिर कि हमारी वीडियोज़ भी एक लिमिटेड है, ज़्यादा बंदों तक नहीं पहुँचती, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा चीज़ें करता भी नहीं। करने को तो मैं कर सकता हूँ, आपको पता है मेरे को सारी चीज़ें आती है करना, बट फिर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा रीच नहीं है ना हमारी। अगर ज़्यादा रीच होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं मोशन कैप्चर सूट तुरंत ऑर्डर मार देता एंड बना देता। बट फिर मैं रीच को देख के रुक जाता हूँ, यार कोई फ़ायदा नहीं है, देखने वाले बंदे लिमिटेड है, तो उसके लिए देखते हैं। चलो फ्यूचर में कभी अगर मूड बना तो देखेंगे, नहीं तो मुश्किल ही है। मैरी वेदर के बेस पर जाना है एंड वहीं पर जा करके अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि मैरी वेदर का बॉस कुछ कर रहा है, लोग क्या कर रहा है वो देखेगा। एंड देखो भाई ये संडे वाला एपिसोड था और देख लिया, नेक्स्ट संडे में इससे भी और शायद से ट्रेवर मोन्स्टर बन सकता है। बस मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, एंड बहुत आगे जाएगी आपकी स्टोरी। देखो कुछ लाइन से ना मैंने बहुत सेलेक्टेड एपिसोड डाल दिए, लाइन से बहुत सारे जो सारे उधर स्पेशली स्टोरी के ऊपर ही टिके हुए सारे और मेन बंदों के ऊपर। पहुँच चुका मैरी वेदर के बेस पर, देखो वॉच को यूज़ करके हम लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी उल्टा सीधा काम हो जाए। ट्रेवर भैया ज़रा आगे बढ़ो, तो ठीक है चेक करते क्या आखिर हमारे प्यारे प्यारे लाल क्या क्या गुल खिला रहे यहाँ पर एंड क्या क्या नहीं कर रहे, पता लग जाएगा। ट्रेवर भैया आगे निकलो। हेलो जी मेरा प्यारा प्यारा लाडला भाई, कोई यहाँ पर हो तो आजा, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। देखो इनसे मेरे कुछ लेने देने नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे ना फ्रंट पर जिसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, और वो है हमारे प्यारे प्यारे बॉस जो कि कुछ प्लान बना रहे हैं। मैरी वेदर का नया बॉस मैंने आपको दिखाया था बहुत टाइम पहले, आंखों पर कुछ पहनता है नमूना, मुझे बुलाया था, बोला ट्रेवर ऑफर ज्वाइन कर ले मेरे साथ हो जा, मैंने बोला धक्का लग निकल यहाँ से, तो मैंने मना कर दिया था। तो इसलिए अब देखते हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ओके यहाँ पर खड़ा हुआ है नमूना, अब क्या बातें चल रही है इनके आपस में, बातें सुनते हैं क्योंकि प्लानिंग चल रही है बहुत बड़े वाली, और जो चीज़ चलती है तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी एपिसोड्स बहुत तगड़े होने वाले हैं और किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कुछ प्लान बना रहे हैं, तो इनका एक बेस के बारे में भी को पता लगा है। देखो प्लान तो बड़े कोड वर्ड में बात चल रही है, तो ये तो नहीं पता कि आखिर क्या प्लान बना रहे हैं। यार ये टायर मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ, ये टायर हर जगह पड़ा हुआ है आज के डेट में, ऐसा क्यों? सच्ची में लगता है GTA वालों ने कुछ 3-4 प्रो भी बना के रखे हैं एक्स्ट्रा वाले। देखो एक गेम का एक बहुत एक चीज़ बनाओ, आपको मान लो अगर आप कोई गेम बना रहे होंगे ना, तो उसमें रियलिस्टिक उसको कैसे फील लाना है, उसमें चीज़ों को गंदा रखो, क्योंकि रियल में चीज़ें साफ़ नहीं होती कभी भी। बहुत से बंदे गेम बनाते हैं ये गलती कर देते हैं कि वो दीवारें बिल्कुल साफ़ बना देते हैं, ज़मीन रोड बिल्कुल साफ़ बना देते हैं, तो दिखने में नकली सी लगती है। कभी भी नोट करना, अगर उसको रियल आपको बनाना है तो गंदगी लाओ, उसमें फ्लोर पर गंदी चीज़ें डालो, जैसे आप देख रहे हो डेकल्स वगैरह डाल के रखे हैं बंदों ने, ये एक अलग से टेक्सचर्स डलते हैं रोड के ऊपर, इसको गंदा बनाओ ताकि और रियलिस्टिक फील आ सके। कचरा डालो रोड पर, क्योंकि रियल में दुनिया ऐसी ही होती है, बिल्कुल साफ़ प्लेन शीशे वाली रोड कभी नहीं मिलेगा आपको, हर जगह गंदगी मिलेगी, तो उसको रियल फील आएगा। बहुत से गेम्स में देखता हूँ बनते रहते हैं एंड्रॉइड पे, प्ले स्टोर पर, शहर के छोटे मोटे गेम होते हैं, उनकी रोड्स बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, बड़ी नकली से लगती है उनके मैप। मेरे को तो गंदे बनाने चाहिए हमेशा मैप आपको, रियल लोकेशंस के टेक्स्चर में, जैसे मान लो नए असली घर होते हैं दुनिया में, उनके टेक्स्चर ले लो दीवारों के, वो लगा दो अपने गेम में दीवारों पर, इससे क्या होगा रियलिस्टिक फील आएगा गेम में। ये एक स्ट्रेटेजी होती है गेम को रियल बनाने का, और GTA उसको यूज़ करती है। आप देख लेना हर एक जगह पर फोकस करके चला कीजिए गेम कैसे बनते हैं और क्या क्या गेम में होता है, बहुत सिंपल होता है अगर आप देखना चाहो तो। GTA इस चीज़ को देखो बहुत यूज़ करता है, यहाँ पर ईंटें डाल के रखी है, फिर से टायर डाल दिया, ये देखो गंदा एरिया सा बना दिया, सेम वही चीज़ें यहाँ पर पड़ी है जो पहले थी। यहाँ पर देखो दीवार पर जानबूझ के डाल दिया, लिख दिया, गंदा कर दिया इसको, क्योंकि रियल में गंदी होती है बॉल्स। नीचे देखो बॉल अलग कर दी, बट अगर इस बॉल को पूरी पूरी साफ़ करते तो कितनी गंदी लगती, दिखने में अजीब लगती, नकली लगती। पर नीचे इसको काला कर दिया थोड़ा सा, ऊपर भी काला कर दिया, जैसे काई वगैरह आ जाती है, पुरानी हो जाती है जब बॉल्स, पेंट छूट जाता है। ये है पॉइंट, रियलिस्टिक फील आता है। यार ज़्यादा लंबी बातें कर दी, बट ये बहुत ज़रूरी है उन बंदों के लिए जो बंदे गेम्स बनाते हैं। एक बहुत अच्छी टिप है हमेशा याद रखना, अगर गेम बनाओगे, मैप के ऊपर कभी भी काम करोगे तो उसको जितना ज़्यादा हो सके रियल बनाने के लिए उसको गंदा रखना, गोल्स को रियलिस्टिक फ़ोटोज़ लेना, ये करना वो करना, बहुत अच्छा फील आएगा उसको देखने में। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर। चलिए मेरे प्यारे ट्रेवर भैया, वॉच को ऑफ कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है वॉच के यहाँ पर ऑन कर लो। हम कौन सा मैरी वेदर वाले बंदे से डरते हैं, उसका नेता बना देगा। ले बड़ा इधर आ बेटा, चल चल जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार ये बंदे ना ये अलग लेवल के, सब क्या हो गया सदमा लग गया। दो तीन बंदे तो भागे बेटा, दो तीन बंदे तो अलग ही लेवल के। कहाँ भागा बेटा, इधर आ जरा, देखो भाग रहा। आजा 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 आजा। कौन सा कैप्सूल खाया था बे, ये जो हिले ही नहीं। ठीक है चलिए बंदे सारे खत्म हो चुके हैं। इस गेट को ओपन करके ही हम लोग नीचे जाएंगे, इनके बंकर है, यही इन्फॉर्मेशन मैंने सुनी है। ट्रेवर भैया आगे निकले फटाफट से। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, कंप्यूटर से रीड करते हैं। देखो कंप्यूटर में अभी आपको नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल मिल जाएगा, एंड हो सके तो उसको ज़रूर देखना। वो बहुत खतरनाक एपिसोड है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें एक बहुत खूंखार विलन आएगा, ग्लैडिएटर से भी ऊपर। अभी आप समझ रहे हो ग्लैडिएटर कितना भयंकर है, अब उससे भयंकर कौन हो सकता है भाई, वो आप देखेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत खतरनाक कैरेक्टर डिज़ाइन करके रखा है मैंने, वो आप देखेगा बड़ा दिल खुश हो जाएगा आपका। और ऊपर से जो जगह है वो मैंने बनाई है खुद ही पूरी की पूरी, तो आप उसको देखेगा। आजकल ना मेरा बहुत मेहनत लग रही है एपिसोड्स में, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मिस मत कीजिएगा ताकि मेरी थोड़ी बहुत मेहनत वसूल हो जाए। तो ठीक है यार, कंप्यूटर किधर रह गया? अरे नमूना ट्रेवर इधर नहीं मिलेगा, वो बीच के सेक्शन में मिलेगा। तो ठीक है पूरा पूरा एरिया सर्च करते हैं, कंप्यूटर चेक करते हैं, देखते हैं क्या डेटा मिलेगा। आखिर क्या कर रहे हैं मैरी वेदर वाले बंदे, प्लानिंग जो ट्रेवर भैया कुछ काम आ सकती है, मज़ा आ जाएगा देख करके, क्योंकि ये बंदा कुछ एक्स्ट्रा लेवल सोचता है। ठीक है यहाँ पर कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा, बट ये स्टाफ कंप्यूटर है, हमें मेन कंप्यूटर चेक करना है। ट्रेवर भैया ऊपर चढ़ जाइए, यहाँ पर इनका मेन कंप्यूटर। मैंने ये चीज़ सेंड कर दी है, एक प्राइवेट फाइल है, एक्सेस नहीं मिला पहले, फिर मैंने अलीना को फ़ोन किया, एक्सेस मिल गया। उसमें ओपन करते ही एक फ़ाइल का नाम खुल करके आया, द टेम्पल ऑफ टाइम, जिसमें 10 मैप मेरे को मिले। कोई जगह है टेम्पल ऑफ टाइम करके, यहाँ पर ये बंदे जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने मैप भी बना कर रखे 10 मैप। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी इन लोगों को, बट मुझे लगता है सभी मैप्स वेस्ट है। इन्होंने कोशिश तो करी बट मैरी वेदर आज तक वहाँ पर कहीं पहुँच नहीं पाई। टेम्पल ऑफ टाइम देख रहे हो भाई, टेम्पल ही है टाइम की पूरी बहुत बड़े वाली। तभी तो मैंने बोला था ट्रेवर को एक ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पर जा कर के ट्रेवर कुछ भी बदल सकता है। टेम्पल में पहुँच जाएगा टाइम की भाई, किसी भी टाइम फ्रेम में जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ जाना चाहे वहीं सेट हो जाएगा, बट एक बार ही होगा, दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको कमेंट पोल डाला था और अब उसका रिजल्ट आ गया, तो उसी हिसाब से अब उसको हम यूज़ करेंगे। मोकैम्बो चाचा का फ़ोन आया है, अब इसको क्या चाहिए भैया ड्राइवर से? अब तो हमारे बीच में सब कुछ सही हो गया था, तब भी भैया बंदा सच्ची में हद मचा करके रखा है इस बंदे ने। चलिए ड्राइवर भैया एक काम करो, निकलते हैं। देखो मिल लेते, कोई बात नहीं, मिलने में कोई बुराई नहीं है। मुकैम्बो मान तो देखो पहले दोस्ती हुई थी, भूलना मत, फ्लैश में बदल चुका है, तो इसलिए अब दोस्ती नहीं उससे। अभी फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। लास्ट टाइम मैंने डगन को तोड़ा था तो ये खुश हो गया था मुझसे कि तुमने मेरे मालिक को मार दिया, मैं तो तुम्हारा चेला बन के रहूँगा। अब क्या करते, मैंने उसको मारा भी नहीं, फिर क्यों मिलने आया मुझसे? कॉम्प्रोमाइज़ करेगा क्या करेगा देख लेंगे। क्या भैया रिश्तेदारा निकला फटाफट से। पहुँच गया मुकैम्बो नाम की खिचड़ी के पास, पता नहीं क्यों बुलाया यार। अब मैं इन बंदों से परेशान हो चुका बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बंदे ना बहुत पावरफुल है यार, वो तो भी आपने देखा ही नहीं है ना। अभी एक एपिसोड आने वाला है जिसमें मोकैम्बो एंड रॉकी एंड टीसी एक साथ आएंगे एंड ट्रेवर को ऐसा बजाएंगे, ऐसा बजाएंगे, कोई पियानो नहीं बजाता ऐसा, एंड क्यों बजाएंगे अब देखेगा। ये जितने मासूम छुआरे लग रहे हैं ना दिखने में, इतने मासूम छुआरे नहीं है, ये छुआरों के सरदार है, लीडर है छुआरों के, बहुत तगड़े हैं बंदे। हाँ मेरे पिंक बाल वाले चाचा, अले ले 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 गिर गया मुकैम्बो, पेट फट गया। क्या हो गया भैया, कैसे शक्ल बिगाड़ रहा है, बोल क्या हो गया? बोल रहा है ट्रेवर भाई क्यों मजाक कर रहे हो, आपसे दोस्ती कर रहा हूँ, दिल से आपको सब कुछ मान लिया। मैंने बोला बेटे झूठ से ही बोल रहा, देखो ट्रेवर को याद रही है कि चीज़ पहले भी हो चुकी है। ट्रेवर ने से 2 बार पूछा, बोल रहा है ट्रेवर सर अगर झूठ बोल रहा हूँ तो जान से मार दो। मैंने बोला क्या करूँगा तेरे को जान से मार के। तो ठीक है चलिए वेट करते, देखते हैं कि आखिर हमारे प्यारे प्यारे भाई मुकैम्बो भैया सच्ची में सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। मैंने बोला ठीक है चल भाई दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है बन जाए दोस्त, कोई टेंशन नहीं। तो देखना यह है कि इसकी दोस्ती फिर से सही रहेगी पूरी रहेगी, वो देखने में जब क्या डगन ने प्लानिंग से इसको भेजा है वो भी देख। फिलहाल अभी मैं देखो मैरी वेदर के टनल में मारने के लिए जाने वाला हूँ, एंड उसके बाद जाऊँगा गवर्नमेंट फैसिलिटी में, वहाँ से थोड़ा डेटा निकालना टेम्पल ऑफ टाइम के बारे में। पता क्यों अलीना बोल रही है ट्रेवर सर आपके पापा रॉबर्ट फिलिप्स के बारे में कुछ फाइल्स निकली है, कुछ फाइल्स है जिनको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ। है फाइल आपके पास की, मैंने सर्च करा, मैंने डीप स्कैन किया तो रॉबर्ट फिलिप्स के बारे की बहुत फाइल निकली है। क्या होता है उन फाइल में टेम्पल ऑफ टाइम के बारे में कुछ मिल जाए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। हाँ सही बोल रही है अलीना। जब पहले मैरी वेदर को सुला करके आते हैं, उसके बाद निकलते गवर्नमेंट फैसिलिटी में। जल्दी पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर, यहीं पर मैरी वेदर वाले बंदे। यार मुझे लगता है मैरी वेदर वालों को मैं बोलता हूँ भाई, एक बात एक बुलाता हूँ चाय पर बिठा करके बात बोलता हूँ कि मेरे भाइयों एक काम करो, कुछ गड़बड़ रहते हो तुम लोग, अरे इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लो, मैं तुम्हारा नाम करवा दूँ गवर्नमेंट से बोल के, या टनल तो अपने नाम कर लो और यहीं पर रहा करो। अबे नमूना मुँह उठा के आ दो तीसरे दिन यहाँ पर। एक गवर्नमेंट भी इतनी आलसबाज है, इस काम को ख़त्म ही नहीं करती। सुबह शाम यहाँ पर लगी रहती है, लगी 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 गोली लगी। अरे भैया सो सो कुछ ज़्यादा ही बुरी लग गई यार, अब क्या करें। जब मैंने बोला था ना ट्रेवर अपनी पर आता है तो सब भूल जाता है, कोई नहीं बचा होगा यार। ये जेम थोड़ी वाली गाड़ी है, ये नहीं छोड़ेगी। अरे इसने भी छोड़ दिया। अबे कोने में तू कहाँ से आया यार? इसके पीछे था, अब मर गया होगा। चले बढ़िया, आप मर गए। बट फिर भी एलियन गन से तो जल्दी शिकार कर दिया हम लोगों ने, मैं तो बहुत टाइम लगता था एलियन गन से बंदों को मारने में। चलो ठीक है, अब ना एक मिनट वेस्ट करते हो गवर्नमेंट फैसिलिटी में निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जा करके रॉबर्ट फिलिप्स की फाइलों को चेक करना है। क्या पता हो ना हो अलीना सही बोल रही हो, क्या पता टेम्पल ऑफ टाइम के बारे में रॉबर्ट फिलिप्स कुछ जानते हो। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर, हमारी प्यारी प्यारी गवर्नमेंट फैसिलिटी अंदर ही है। ट्रेवर भैया, अरे अरे छत कैसे हो गई ट्रेवर भैया आपकी गाड़ी की? अरे 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 काम खराब हो गया तभी। चलिए आगे निकलते हैं, ये कन्वर्टेबल कार है शायद से, इसलिए इसकी छत हिलती रहती है। ट्रेवर भैया आगे निकलिए, बहुत बढ़िया। अरे चाचा मान जा, तो नेता बना देगा। ट्रेवर है गाड़ी में, ध्यान से देखा तूने। तो ये रही लॉस सैंटोस गवर्नमेंट फैसिलिटी। चलिए इस गवर्नमेंट फैसिलिटी में देखते हैं कहाँ डेटा है एंड क्या मिलेगा। आगे बढ़ो ट्रेवर भैया। अरे पहली बार पोस्ट ऑफिस वाले बंदे देखे मैंने यहाँ पर, ये बंदे गवर्नमेंट फैसिलिटी के यहाँ वहाँ पर डाक लेकर के जाते हैं। हेलो भैया, ये देखो पोस्ट ओपी फाइलें चेक करी मैंने, एक्सेस दिया लीना को, एक्सेस मिल नहीं पा रहा था ठीक से, पता तो लग गया था बट मैंने एक्सेस दिया कंप्यूटर्स का, और उसने फाइलों को रीड करके जब बताया मज़ा ही आ गया यार। रॉबर्ट फिलिप्स आज से 27 साल पहले इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, 27 ईयर्स। उन्होंने बस ये लिखा कि मुझे आज पता लगा कि दुनिया में कोई ऐसा आइलैंड भी है, या है भी नहीं, कंफर्म नहीं थे इस बात पे कि है या नहीं है, बट कहीं से पता लगा उनको कि टेम्पल ऑफ टाइम नाम का कोई आइलैंड है। अब वो इस धरती पर ही है या नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है, बट है ज़रूर। उस ऊपर से मैरी वेदर उसके पीछे पहले से ही पड़ी हुई है, उनको 27 साल पहले पता लगा, बट मैरी वेदर उस चीज़ के पीछे 50 साल से है। बहुत बढ़िया। और ये बेटा तभी बोलूँ उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। टेम्पल ऑफ टाइम कन्फर्मेशन कुछ नहीं है, वो अर्थ पर है नहीं है, बट है सच में, ये उनको कन्फर्म है। अब ये कन्फर्मेशन कैसे मिली ये मुझे नहीं पता, मतलब जगह तो है सच्ची, कोई अफवाह नहीं है, बट हमारी अर्थ पर ही है, कहीं और कैसे ही पता लगेगा भैया। देखो अर्थ पर होती तो ट्रेवर खुद ढूंढ लेता, अब अर्थ पर नहीं है तो यार थोड़ा मुसीबत पड़ेगी। कोई बात नहीं, पोर्टल की हेल्प लेंगे, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, आपको पता ही है। यार एक बात समझ नहीं आ रही, रॉबर्ट फिलिप्स ने डेटा पहले डाला था यहाँ पर, तो यार शायद मैंने दिन तक हमने ध्यान से नहीं देखा तो हमें पता नहीं चला होगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में पहले पता नहीं था। सही बात तो ये टेम्पल ऑफ टाइम हमें आज पता लगा, तो हमने टेम्पल ऑफ टाइम लिख के ही सर्च किया तो आ गया, हमें पहले पता नहीं था इस चीज़ का नाम। तो रॉबर्ट फिलिप्स यार और क्या क्या चीज़ छोड़ गए ट्रेवर के लिए, उनको पता था यार। देखो इस चीज़ के बारे में अगर जिंदा होता तो मैं पूछ लेता। टेम्पल ऑफ टाइम यार उससे तो रॉबर्ट फिलिप्स को भी जिंदा किया जा सकता है, बट यार मैंने फिर बोला पास्ट में जाने के लिए मना कर दिया आप लोगों ने, तो वो चीज़ें बदल गई है, अब फ्यूचर में रहेगा ट्रेवर, तो अब हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। पहुंच गया बाहर की तरफ, एक आइडिया आया। देखो फिलहाल ट्रेवर ने सुबह बुक्स जला दी थी, बट वो टाइम घूम चुका है, अब ट्रेवर पीछे आ गया तो बुक दोबारा मेरे गैरेज में ही है। कन्फ्यूज मत होना, ट्रेवर के दिमाग में आइडिया है, क्यों ना बुक से पूछूँ टेम्पल ऑफ टाइम के बारे में, वो अर्थ पर है नहीं है, बुक ज़रूर बताएगी, बुक को पता होगा। देखते हैं, वैसे नकलीली बुक है, कभी कभी मर्जी से चलती है बट कभी कभी बता देती है, देखो बता देगा तो बढ़िया, नहीं तो ट्रेवर के पास दुनिया अपने के तरीके से सच निकलवाने को, और आपको पता है ट्रेवर के बहुत तरीके से बुरे होते हैं, तो ट्रेवर हलक में हाथ डाल के जान निकाल लेता है कभी कभी। बुक ने कन्फर्मेशन दे दी है, पहली बार इस बुक ने कुछ तो बोला कि ट्रेवर ए निकाल निकाल बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब 1 लीटर, अरे बेशरम ट्रेवर। अरे भैया यार इसकी मैं इस हरकत से बड़ा परेशान हूँ, ये कुछ और कर ले चलता है, बट ये नाक कहीं पर भी खोल के फेंक देता है। अरे मेरे भाई ये प्राइवेट काम होते हैं, ये सुबह कर लिया कर, बहुत बाथरूम में कर लिया कर, नहाते टाइम कर लिया कर, बट भैया पब्लिक प्लेस में नाक में उंगली कौन डालता है यार। वैसे नाक में उंगली नहीं डालता बट तो सब कुछ ही निकाल डालता है। मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, बट ये ट्रेवर को ना ऐसे खड़ा रखेंगे आगे से ताकि हम इस चीज़ को देख ना सके। ये तो कुछ ज़्यादा इसकी हरकतें GTA वाला को क्रेडिट जाएगा, छोड़ो। बुक ने बोला टेम्पल ऑफ टाइम बहुत दूर है तुम्हारी रेंज से ट्रेवर, इस दुनिया में उसको कोई नहीं ढूंढ सकता। ये बोला, इसकी पहेली की बात मैं समझ गया, मतलब अर्थ पर नहीं है। दोबारा इसे बोला जितना हो सके उससे दूर रहना, वो एक कर्स है ट्रेवर, एक श्राप। अगर वो श्राप तुम्हें लग गया ना तो ज़िंदगी भर तुम ठीक नहीं हो पाओगे, चाहे किसी भी बुक की हेल्प ले लेना या कुछ भी कर लेना। उस श्राप से दूर रहना, क्योंकि उसको जिन्होंने बनाया है ना वो बहुत खूंखार लोग थे। देखो आप टेम्पल ऑफ टाइम का जब एपिसोड आया कल, उसमें शुरुआत के 4 मिनट में आपको फ्लैशबैक ही दिखेगा, टेम्पल ऑफ टाइम कैसे बनाया, किसने बनाया, और फिर उसके बाद में उसको कैसे लिमिट में लगाया गया, क्या उसको किया गया, कैसे सारे काम हुए। उसका फ्लैशबैक भी है भाई पूरा का पूरा टेम्पल ऑफ टाइम का। इसीलिए मैंने बोला था एपिसोड काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि फिर उसके बाद टेम्पल ऑफ टाइम में क्या पता दोबारा जाना हो ना हो, तो भरोसा नहीं है। सीक्रेट माफिया है भाई, शायद से मैरी वेदर का लिंक है उनसे। मुझे लगता है मैरी वेदर आजकल टेम्पल ऑफ टाइम के पीछे तो ज़्यादा ही पड़ी है यार। अच्छा हम लोग आए और हमें कुछ चीज़ें पता लगी, दरअसल 2-4 दिन से अलीना चीज़ थी। फिर आप ये मत सोचिए कि हैंड टू हैंड वाइज सारा काम ना, 2-4-5-6 दिन से नया बॉस बना है ना इसका, कुछ दिन से मैंने अलीना को इसके पीछे लगा के रखा हुआ था, और ये बंदा इस जगह पर बहुत आ जा रहा था, तो इसलिए अलीना ने आज मेरे को सारी डिटेल दी। तो ट्रेवर सर मैरी वेदर कुछ कर रही है, और फिर आपको बताया नए बंकर में और इस चीज़ के बारे में पता लगा। तो ये बात हुई, एकदम से कुछ नहीं हुआ, बहुत दिन से अलीना इनके पीछे थी। बहुत बढ़िया तगड़ी डील चल रही है भाई, लगता है मैरी वेदर वाले बंदे कुछ बंदों को पैसा खिला करके कुछ ऐसा काम करवा रहे हैं जो शायद से टेम्पल ऑफ टाइम से रिलेटेड ही है। और इस माउस को गोली मार दो, कोई हद है भाई इस कंपनी को, कोई बोलो मेरी तरफ से। अरे शर्म नहीं आती, इतने घटिया माउस बनाते हो यार। चल जा बेटा चल जा, थोड़ा सा और आगे हो जा। अरे बेटा पैसे ले ले। अरे यार इसका स्क्रॉल तो बहुत घटिया है भैया, हो जा बेटा, हो जा बेटा, अरे हो जा भाई, छोड़ो आइडिया लगा लो। तो पॉइंट कहने की ये बात है कि ये जो अपने प्यारे बंदे हैं ना, ये सारे के सारे बंदे मैरी वेदर के ही है। देखो सोना मेरे को दूर से दिखाई दे रहा है, पास से मैं दिखा नहीं पाया आपको। मैं गायब होकर जाने की कोशिश करता हूँ, एक काम करता हूँ आगे से ऐसे देख लेंगे। भाई लोगों ने साथ नहीं दिया कोई बात नहीं, बट हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं। तो ट्रेवर मेरे प्यारे प्यारे भाई फटाफट से जा करके चेक कर, देख रहा हूँ कितने सारे यहाँ पर है गोल्ड। और ये मैरी वेदर के बंदे किससे मीटिंग कर रहे हैं, मतलब कीमत दी जा रही है टेम्पल ऑफ टाइम को पता करने की। अब मुझे भी लगता है हमको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इस टेम्पल ऑफ टाइम के लिए, देखते क्या पता लगेगा। कुछ पता लगता है नहीं पता लगता, नेक्स्ट एपिसोड में आपको मज़ा आ जाएगा। एक नया विलन आएगा बहुत अमेजिंग, ऊपर से ट्रेवर से एक बंदा ही मिलेगा, ऊपर से प्रेडेटर एंड बहुत सारी चीज़ें। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के साथ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।